please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सम्मोहन महल का रहस्य, वो सम्मोहन महल जो दिल्ली में बना हुआ था और एक बाबा चलाता था। देर रात तक इस सम्मोहन महल की तलाशी का काम चलता रहा। बताया जा रहा है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बाबा के रहस्यमय महल का दरवाजा खोला तो अंदर से बंधक बनी कुछ नाबालिग लड़कियों को छुड़ाने में पुलिस को कामयाबी मिली और साथ ही नशीले पदार्थ और दवाओं की 5 बोरियां भी पुलिस ने बरामद की है। जब खुला बाबा के रहस्य लोक का दरवाजा, जब खुला बाबा के पाप लोक का कच्चा चिट्ठा, अपना नाम ओपन करूंगी तो ये लोग गुंडे लगा देते हैं। जब खुला तहखाने में कैद लड़कियों का रहस्य, एक एक दरवाजा खोलने के लिए आधा आधा घंटे के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी और मतलब किसी को लॉ एंड ऑर्डर को किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। जब खुला बाबा की दवाओं का राज, मेडिसिन थी और भी बहुत सारे सस्पिशियस आइटम्स थे, मतलब पैकेट्स बंद ही थे। जब हुआ देश की राजधानी दिल्ली में राम रहीम जैसे एक और बाबा का पर्दाफाश, बाबा ये अंडरग्राउंड रहता है, जब से ये प्रकाश में आ गया है तो ये मिलेगा नहीं, हाथ में नहीं आएगा और ये क्लास भी नहीं करेगा, रात में आएगा गुप्त रूप से। चौकी नहीं, ये तो बस बानगी है, इसकी हकीकत और भी डरावनी है। सफेद दरवाजे के अंदर के महल की कहानी और भी हैरतअंगेज है। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार अभी इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से एक स्पेशल टीम बनाया गया था और उसके बाद से ये जो 4 मंजिला मकान है, इस 4 मंजिला मकान में वो स्पेशल टीम लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दल बल के साथ पुलिस की जमात दिल्ली के एक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के महलनुमा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई तो वहाँ की हर चीज रहस्य से भरी हुई थी। हर कदम पर जांच टीम और पुलिस को रहस्यमय महल में मौजूद लड़कियों से जूझना पड़ रहा था। जो एडवोकेट मैम थी नंदिता राव मैम, उनके तो बाल बाल खींचे और उनको भी मतलब बिल्कुल बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सम्मोहन महल के अंदर 150 के करीब लड़कियां थी, ताले नहीं खोले जा रहे थे। जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन लड़कियों के बीच से एक लड़की को पुलिस बाहर लेकर आई जो बदहवास थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अंदर जो लड़कियां बाबा के कैदखाने में कैद हैं, उनकी मानसिक हालत क्या होगी। जांच टीम के साथ अंदर दाखिल होने वाली पीड़िता का दावा है कि अंदर से 5 बोरियों में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बाबा के पाप लोक की कहानी को बेपर्दा कर देंगे। जैसे ही वो आइटम्स मिले और हम ले जाने लगे, इनको लिस्टिंग करके सब देने लगे, लेकिन ये ना उनको ले जाने के भी तैयार नहीं थे। हालांकि तलाशी के दौरान स्पेशल टीम को बाबा आश्रम में नहीं मिले, लेकिन खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताने वाले ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की कारस्तानी तब उजागर हुई थी जब कुछ पीड़ित महिलाओं और नाबालिग लड़कियों ने पापी बाबा पर गंभीर आरोप लगाए थे। देखा तो बाबा बिना वस्त्र के वहाँ लेटा था और हमारा हाथ पकड़ के बैठा, बच्ची तुम तो प्रसाद लेने आई। हम बाबा ये अंडरग्राउंड रहता है, जब से ये प्रकाश में आ गया है तो ये मिलेगा नहीं, हाथ में नहीं आएगा और ये क्लास भी नहीं करेगा, रात में आएगा गुप्त रूप से। नेपाल भी भाग सकता है क्योंकि नेपाल में भी इनके आश्रम है, बंगाल में क्या कहते हैं कलकत्ता के पास में सिलीगुड़ी पड़ता है और काठमांडू में इसके 2 आश्रम है। नेपाल भी भाग सकता है क्योंकि नेपाल में भी इनके आश्रम है। इन मामलों के सामने आने के बाद एक एनजीओ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बाबा के इस सम्मोहन महल के जांच की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बाबा के कैद में रहने वाली लड़कियों को माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज इस जांच के दौरान वो माँ भी मौजूद थी जिसकी बेटी को बंधक बनाने का आरोप बाबा पर है।
अभी ये लड़कियों से न मिलने देते हैं न बात करने देते हैं, वो लड़कियों का माइंड वॉश कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर बाबा के रहस्य लोक की जांच के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने साफ किया कि बाबा वीरेंद्र दीक्षित जो भगवान बने बैठे हैं उनका बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि तकरीबन 6 घंटे तक चली जांच में कई ऐसे राज सामने आए हैं जो बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के इस बाबा ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर पाखंड की दुकान खोली और आस्था की जमीन पर हफस की सेज सजा दी। लेकिन इस बहरूपीय का राज इसकी बनाई रहस्य की इमारत से कुछ दिनों पहले बाहर आ गया। और फिर क्या हुआ था ये आप खुद ही देख लीजिए। दिल्ली की सबसे खौफनाक इमारत और ये सब यहाँ से सेक्स स्लेव तैयार करते हैं। आस्था की जमीन पर हवस की सेज, यहाँ पे सेक्स होता है। बरगला कर फुसला कर फांसा जाता शिकार। दंगली में ये आखिरी मकान नहीं है। अलबत्ता सफेद रंग की इस आलिशान इमारत का काला सच क्या सामने आया, हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल इस झक सफेद बिल्डिंग पर घिनौने इल्जामों के कीचड़ के दाग नजर आए हैं, और इल्जामों की सुने तो यहाँ सालों से वो पोशीदा खेल जारी है जिसमें न जाने कितनी मासूम लड़कियों की चीखें और इज्जत की धज्जियां उड़ी है। कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नकाब ओढ़े ये इमारत दरअसल लड़कियों का कैद खाना है। इस बिल्डिंग का मालिक है वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बाबागिरी की आड़ में हवस का पुजारी बना रहा और बरसों से बेखौफ खेल खेलता रहा। यहाँ की जो ये लेडीज है उसको लेके गई और जो इसका जो मालिक है वो दीक्षित है ना, उससे उसका रेप करवाया सर, और रेप करवाने के बाद 4 से 5 दिन तक उसके साथ रहती है। खुलासे की पहली बार आंख खुली इन चंद सफेद पन्नों से, जिसमें एक लड़की का सालों पुराना दर्द सालों पुराने घाव जिंदा हुए। इस लड़की ने बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक वो अपने पिता के साथ यहाँ रहती थी, तब उसके साथ ये घिनौना खेल खेला गया था, लेकिन अब उसकी बहन यहाँ के तालों के पीछे कैद है। मेरी बहन 2003 से यहाँ पर सरेंडर्ड है। जो भी विक्टिम्स होते हैं मतलब इलिटरेट या जो भी दुनिया से सताए हुए लोग होते हैं उनको ज्यादा पकड़ा जाता है। बताया जा रहा है कि बाबा इस आश्रम में लड़कियों को बच्चियों को बहला कर फुसला कर यहाँ लाता और फिर उन्हें कैद कर लेता। इल्जाम ये है कि जिन मासूम बच्चियों और लड़कियों को यहाँ लाया जाता है उन्हें भगवान से जोड़ने की बात कहकर शिकार बनाया जाता है, और सबसे पहला शिकारी होता था वीरेंद्र देव दीक्षित। उसके बाद लड़कियों को यहाँ गुलाम बनाकर रख लिया जाता। ये गुप्त आश्रम चलाते हैं और ये सब यहाँ से सेक्स स्लेव तैयार करते हैं। घरवाले 2-3 दिन माथा पटक के मर जाएंगे यहाँ से, वो खुद की मर्जी से मर भी नहीं सकती, आप देख सकते हैं इसको। अब उसके बाद क्या होगा सर, हम जब आना छोड़ देंगे तो फिर ये उसको बेच देंगे। फिलहाल बाबा फरार है, लेकिन उसका काला सच अब जमाने के सामने आ चुका है, और जो बात खुली तो पता चला कि ये उसके दामन पर लगा पहला दाग भी नहीं है, यानी ये बाबा इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। और ये भीड़ इस वक्त इस सफेद बिल्डिंग में कैद काले सच को हर हाल में बाहर लाने पर आमादा है। पहले तो उसने अपनी हवस की खातिर धंधा ढूंढा और फिर आस्था के नाम पर ऐसा गोरख धंधा किया जिसने भी सुना बुरी तरह से चौंक उठा। सबसे पहले तो आप उसका नाम जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस नाम का बाबा कभी आपके आसपास से गुजरा हो, क्योंकि ये पापी आज से नहीं बल्कि 4 दशकों से ये पाप करता आ रहा है। और पाप भी कैसा किया जरा इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था, और वो लड़कियां वापस फिर फैमिली में जाती थी, वो वापस नहीं आती थी। सुना आपने, ये इल्जाम जितना संगीन है उतनी ही संजीदगी से हवा में उछाला गया है। और यकीन जानिए,
जिसने ये घिनौनी बात अपनी जुबान से निकाली है उस पर यकीन न करने की कोई सूरत भी समझ में नहीं आ रही। लिहाजा इस बात पर गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से उस सच की परतें नजर आने लगेंगी जो इस बिल्डिंग के दर्जनों तालों के भीतर कैद है। यहाँ जितनी भी कन्याएं हैं उन कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, वो जबरदस्ती कन्याओं से दूसरी कन्याओं को बहलाता है और उनके साथ रात में ले जाकर दूसरी जगह बलात्कार करता है। आरोप लगाने वाली ये लड़की इसी बिल्डिंग में कैद रह चुकी है जिस पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। खुलासा है कि पढ़ाई के नाम पर करीब 200 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को यहाँ कैद करके रखा गया है। दीवारों को फांद कर आई खबर के निकलते ही भीड़ ने पुलिस की भी परवाह नहीं की। इतनी देर से, कल से ये सब हो रहा है, एक साल से यहाँ सब कुछ चल रहा है और ये दिल्ली पुलिस पूरी भी की हुई है, रास्ता क्यों रोक रही है? एक साल पहले भी ऐसा हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हम कुछ और बातों को खोलें, उससे पहले जरा कुछ सुन लीजिए। देखने के साथ साथ गौर से सुनिएगा। बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों की। दुनिया को दुनियादारी से दूर ईश्वर में लीन होने का हुनर सिखा रहा यही है वो ढोंगी बाबा जिसकी पहचान वीरेंद्र देव दीक्षित के तौर पर की जा रही है। इस मायावी बिल्डिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं। और तस्वीरों की गवाही है कि जिस बिल्डिंग के बाहर विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा है उसके भीतर सब कुछ तालों में बंद है, यानी हालत और हालात इसे किसी कैद खाने का गुमान दे रहे हैं। इस नर्क लोक रूपी विश्वविद्यालय के बारे में खुलासा है कि यहाँ लड़कियों का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया जाता है कि यहाँ आने के बाद कोई लड़की घर वापस जाना ही नहीं चाहती। जयपुर का एक भाई भी अपनी बहन को इस नर्क से निकालने के लिए यहाँ पहुँचा मिला। यहाँ ये कहते हैं कि आपका ईश्वर से मिलन करवा रहे हैं। ये सर, इन्हें पहले इनने प्रोपेगेंडा चलाया था कि वो ब्रह्मा कुमारी वाले का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये गुप्त आश्रम चलाते हैं और ये सब यहाँ से सेक्स स्लेव तैयार करते हैं। लोगों का हुजूम जिस इलाके में कोहराम मचा रहा है वो राजधानी दिल्ली का विजय विहार है। अब देखना ये है कि वो मायावी बाबा कब इन इल्जामों की रोशनी में कानून के सामने हाजिर होता है। वैसे कहने के लिए तो कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पाखंडी कानून की नजरों के सामने रहते हुए भी कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा और इस पर पहले भी ऐसे बहुत से इल्जाम लगते आए हैं। आइए आपको इस पाखंडी वीरेंद्र देव दीक्षित के अतीत से भी रूबरू करवाए देते हैं जिसमें इसकी काली करतूतों के कई काले अध्याय जुड़े हुए हैं। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो खुद को कलयुग का कृष्ण कहता है और ये आज से नहीं, अब से करीब 45 साल पहले से ऐसा कहता आया है। और सिर्फ कहता ही नहीं आया बल्कि कृष्ण बनकर रासलीला भी रचता आया है। चौंक गए ना? मगर अब इसका ये घिनौना सच जमाने के सामने उजागर हो चुका है। देह का सुख भी लेना है तो भी बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों के, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। और हम तो जिस वीरेंद्र देव दीक्षित उर्फ बाबा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है वो इसी चेहरे का नाम है, मगर ये इस वक्त कहाँ है कोई नहीं जानता, क्योंकि जैसे ही लोग इसके बारे में कुछ कुछ जान गए तो वो अपने अंजाम के बारे में जानकर न जाने कहाँ लापता हो गया। चलिए इस भोगी बाबा उर्फ दीक्षित जी उर्फ कलयुग के कृष्ण और न जाने कितने उर्फ का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। इस बाबा की करतूतों का खुलासा होता है साल 1973-74 से, जब वीरेंद्र देव दीक्षित पीएचडी करने के सिलसिले में अहमदाबाद में रह रहा था। वहां उसने सबसे पहले एक चपरासी की 9 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया।
इसके बाद वीरेंद्र देव वहां से भाग निकला और अहमदाबाद के दूसरे इलाके में रहने लगा। वहां भी उसने खुद को भगवान बताकर 11 साल की बच्ची के साथ मनमानी कर डाली। पुराने दस्तावेजों की गवाही कहती है कि ये बाबा खुद को कांता कामी कहता था और इसी की आड़ में वो मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। कुछ दिनों में उसने अपने एक टोली बना डाली जिसमें वो खुद को भगवान बताकर महिलाओं और लड़कियों को कृष्ण के दर्शन कराने के बहाने अपने ठिकाने पर बुलाता और उन्हें अपनी मनमानी का शिकार बना लेता। अहमदाबाद में उसे जब अपनी इस घिनौनी हरकतों को करने में कामयाबी मिली तो उसके हौसले बढ़ गए और 1976 में वीरेंद्र देव दिल्ली आ गया। आदतों से मजबूर इस देव दीक्षित ने राजधानी में भी अपनी हवस के खेल को जारी रखा और शिकार भोली भाली लड़कियों को बनाने लगा। इसी सिलसिले में दिल्ली में उसकी एक शख्स ने जमकर धुनाई भी कर डाली थी तो वो दिल्ली से भाग गया और कामपिल में अपना ठिकाना बना लिया। कामपिल के बाद कुछ रोज वो कानपुर में भी रुका और यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वीरेंद्र देव को ऐसा चस्का लगा कि उसने आश्रम खोलकर महिलाओं और लड़कियों को खुलेआम अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। अखबारों में छपी पुरानी खबरों का हवाला यही है कि वीरेंद्र देव दीक्षित की आदतों का जब यहाँ विरोध हुआ तो उसने एक दक्षिण भारतीय शख्स की हत्या कर दी। ये बात 1995 की है। सबसे दिलचस्प पहलू ये कि जब भी इस बाबा का पाखंड सामने आया, लोगों ने उसके किला नुमा आश्रम की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मगर ये भी सच है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया और कुछ रोज बाद वो फिर पहले की तरह किसी नए आश्रम में किसी नए बाबा की शक्ल में कृष्ण लीला करने लगता है।